नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एनविला ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी साहित्य। कक्षा 11वीं हिंदी साहित्य की प्रमुख पुस्तक है कौन सी? अंतरा। अंतरा के काव्य खंड से, अंतरा के काव्य खंड का अध्याय संख्या 4 है कवि पद्माकर। कवि पद्माकर के बारे में यानी आज हम इनका परिचय जानेंगे और इनके द्वारा जो दोहे दिए सॉरी जो छंद रचे गए हैं उन छंदों की हम सप्रसंग व्याख्या या उसमें अर्थ ग्रहण संबंधी कौन से प्रश्न आएंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे और इसके प्रश्नोत्तर पर। तो आइए बढ़ते हैं। अब कवि पद्माकर क्या थे? रीतिकाल के प्रमुख कवि। अब रीतिकाल के कवियों में कौन कौन से कवि आते हैं अब तक में? कवि देव है, बिहारी जी है, कवि गणानंद जी है। इनके साथ साथ कवि पद्माकर का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इनका जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में 1753 में हुआ था। इनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था, यानी ये दरबारी कवि थे, राज दरबारों में आश्रय था। रीतिकाल के जितने भी कवि रहे होंगे ना, जिन कवि का भी परिचय आएगा वो किसी न किसी राजा के आश्रय में ही रहते थे, तो ये भी आश्रय में ही थे। इनके पिता के साथ साथ उनके कुल यानी परिवार के अन्य लोग भी कवि थे, वो इसलिए उनके वंश का नाम भी कवीश्वर ही रख पड़ गया था। वे अनेक राज दरबारों में भी रहे थे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान दान, कवियों को बहुत सम्मान मिलता था। आज के वही सम्मान आगे जाके ये पुरस्कारों के रूप में होने लग गए हैं, जिसमें साहित्य अकादमी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है, इस तरीके से मिलने लगा सम्मान अब तो। पन्ना महाराज ने तो बूंदी दरबार में उनको बहुत सहयोग, बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था। यहाँ तक कि पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव भी दिए। जयपुर नरेश यानी नरेश यानी राजा ने उन्हें कवि राज शिरोमणि की उपाधि भी दी और साथ में जागीर यानी बहुत सारी जमीन भी दी। जागीर यानी किसी गांव का इनको मुखिया बना देना, ऐसे वो जागीर कहलाता है। इनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, वीरदावली, पद्मा भरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, जो कि आपके जब आप कवि परिचय आपके आए तो आप इस तरीके से लिख सको, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं प्रताप सिंह विरुद्धावली, और इन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं जैसे आलीजा प्रकाश। आलीजा प्रकाश इनका काव्य ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये एक प्रतिभा संपन्न यानी बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और इनकी क्या विशेषता थी कि सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण करना इनकी प्रमुख विशेषता थी, जैसा कि रीतिकालीन कवियों की होती है प्रेम और सौंदर्य का वर्णन। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग के द्वारा वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भावा अनुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। उनके ऋतु वर्णन में भी जीवंतता है, चित्रात्मकता है। आलंकारिक वर्णन यानी रीतिकाल के कवि होंगे ना तो उनके काव्य में काव्य के सभी अंग देखने को मिलेंगे। काव्य के अंग कौन से? रस, छंद, अलंकार और गुण, ये इनकी रचनाओं में सहज रूप से आपको देखने को मिलेंगे। इनकी भाषा कैसी है? सरस, सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण भाषा मानी जाती है, ठीक है। वैसे प्रमुख भाषा तो इनकी है ब्रज भाषा, और इसके अलावा यानी ये देखो आगे आगे दे रखा है कि भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार माना जाता था, तो ब्रज भाषा तो है ही है। कहीं कहीं इन्होंने अवधी और कहीं कहीं पे बुंदेलखंडी में भी रचनाएं लिखी हैं।
जैसा आपके जिस तरीके से आता है आपको उसी तरीके से मुझे आपको ये सब बताना है, ठीक है। काव्य गुणों का पूर्ण निर्वाह उनके छंदों में भी हुआ है। काव्य के गुण कितने माने जाते हैं? तीन गुण माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं काव्य के गुण? इस पर एक वीडियो बनाया जाएगा जो कि आपके कोर्स में भी है। काव्य के गुण होते हैं प्रसाद, जिसमें सीधे सरल शब्दों का, माधुर्य और ओज गुण, और इन्हीं के साथ साथ रीति होती है। जैसे काव्य के गुण वैसे ही रीति होती है, काव्य की रीति, जिसमें वेदर भी रीति, पांचाली रीति, गौड़ रीति, ये इनसे संबंधित होती हैं, जो आपको जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। जो पाठ्य पुस्तक में आपके यहाँ दिए गए हैं, पहले कवित क्या है? छंद है, ठीक है। छंद में कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है, और प्रकृति का संबंध किससे होता है? भिन्न भिन्न ऋतुओं से होता है, और वसंत को क्या कहा जाता है? ऋतुओं का राजा। और जब वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति, विहग यानी पक्षी, और मनुष्य की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने उसी का वर्णन किया है। वहीं दूसरे कवित्व में गोपियां क्या करती हैं? लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती है। और अंतिम कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्यों को भौरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों में देखा है, और मेघ के बरसने में कवि नेह यानी प्रेम को बरसते देखता है, यानी वो ईश्वर का प्रेम मानता है, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं इनके द्वारा रचित जो कवित्व दिए गए हैं, हम उनकी व्याख्या को समझ लेते हैं। तो जो पहला कवित्व दिया गया है, इस कवित्व में क्या बताया गया है? ऋतुराज वसंत के आगमन पर, यानी इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रसंग होगा कि हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के काव्य खंड किससे? कवि पद्माकर द्वारा रचित छंद में से लिया गया है, या ऋतु वर्णन में से लिया गया है, और इसके अंदर वसंत ऋतु के आगमन पर, वसंत ऋतु के आगमन पर या आने से आगमन पर प्रकृति के परिवर्तन के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया इसका प्रसंग, ठीक है। अब हम पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, चूंकि रीति काल के ये कवि थे, ठीक है। तो रीति काल के कवियों की प्रमुख भाषा कौन सी रही है? ब्रज भाषा। और जहां ब्रज भाषा आएगी वहां तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग तो सहज रूप में इनके काव्यों में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रेम और सौंदर्य है, तो कौन सा रस आएगा? श्रृंगार रस, ठीक है। वैसे तो प्रकृति वर्णन होता है, वहां पे प्रसाद गुण होता है, लेकिन आपको भाषा या सीधे सरल शब्दों में, मतलब कि आपको समझने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है, तो जब प्रयास करना पड़ रहा है तो माधुर्य गुण, ठीक है। आ गया ना समझ में यहां तक आपको? माधुर्य गुण, और जहां माधुर्य गुण होता है वहां पांचाली रीति होती है। जो काव्य की रीति होती है वो तीन प्रकार की मानी गई है, इसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी मैं, गुण और रीति पर। काव्य के गुण कितने होते हैं और रीति कौन कौन सी होती है, काव्य रीति जो कि आपके कोर्स में है उसके अनुसार भी वीडियो मैं बना दूंगी, ठीक है। और फिर देखिए, इसके अंदर जो अलंकार आए हैं वो सहज रूप में अनुप्रास तो आपको देखने को मिलेगा ही, और इस छंद में इसके अलावा जो रीतिकालीन कवियों ने किया है वो ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग, या यूं कहे कि जहां माधुर्य गुण वहां लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये इनका क्या हो जाता है? काव्य सौष्ठव इस छंद का,
ठीक है। और ये छंद कौन सा है? कवित छंद। और कवित छंद कब होता है, यानी कवित छंद की पहचान क्या होती है, यानी इसकी ये इसका हो गया आधा पद और ये पूर्ण पद, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 16 और या 16 मात्राएं होगी या 15 मात्राएं होगी, और इन दोनों को मिलाने से 31 वर्ण होने चाहिए। ये एक वर्णिक छंद है। कवित क्या है? वर्णिक छंद है। और इसमें कितने होने चाहिए? 31 वर्ण होने चाहिए। और जो अंतिम पद होता है, ठीक है, यानी चरण का अंतिम अंतिम पद क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो वहां पे क्या होगा? कवित छंद होगा। अब आइए करते हैं, हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या जब करेंगे तो शब्दार्थ के साथ साथ किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो वहां से आपको वो अर्थ समझा दिया जाएगा, ठीक है। औरे भांति, यानी जब वसंत ऋतु आया है ना, वसंत ऋतु आई है, तो वसंत ऋतु आने से क्या क्या परिवर्तन हुआ है प्रकृति में? औरे यानी और ही प्रकार का, अलग ही प्रकार की छटा दिखाई देने लगी है, अलग प्रकार का। ये औरे औरे जहां भी आएगा ना, तो ये इस सभी औरे का अर्थ एक ही होगा, क्या कि अलग प्रकार का। कहां तो कौन सी दूसरी जो 6 ऋतु होती है, उन 6 ऋतुओं में प्रकृति में इतना आनंद नहीं दिखाई देता है जितना आनंद किसमें दिखाई देता है? हमारी वसंत ऋतु में। और इसीलिए इसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो ऋतु राज बसंत के आने पे क्या हो रहा है? औरे भांति कुंजन में, औरे भांति यानी एक अलग ही प्रकार का, दूसरे ही प्रकार का, भांति अलग अलग के, कुंजन यानी वृक्षों के समूह पे। केवल कुंज तो होता है वृक्ष, और कुंजन यानी वृक्षों के समूह में। वृक्षों के समूह में क्या हो रहा है? गुंजरत गुंजन करने लगे हैं, गूंजते हुए क्या कर रहे हैं? भीड़ यानी भीड़ के रूप में उमड़ रहे हैं। कौन? भौरे यानी भौरे या भौरे, ठीक है। क्यों घूम रहे हैं वो? यानी जब नई कोंपले खिलती है, नई शाखाएं निकलती है, तो उनमें जो रस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उस रस का पान करने के लिए, इसलिए इसका दूसरा नाम मधुपी होता है। मधुप यानी रस पान करने वाला, ठीक है। तो ऋतु परिवर्तन जैसे ही हुआ, यानी जैसे ही वसंत ऋतु आई, एक अलग ही प्रकार का वृक्षों के समूह पे, यानी नई कोंपले वगैरह जाने से यहाँ पे गुंजन करते हुए भौरों की भीड़ उमड़ पड़ी है, ठीक है। औरे डोर जोरन पे बोरन के हवे गए। औरे यानी अलग ही प्रकार के, इन सभी औरों का अर्थ क्या होगा? अलग ही प्रकार के। डौर, डौर का मतलब होता है अलग ही तरीके से, ठीक है। और अलग ही प्रकार का, तरीका यानी अलग ही तरीके से। और क्या हो रहा है? जौरन, जौरन यानी वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं पे पत्तियों का समूह, जैसे नई कोंपले आती है ना, और नई कोंपले वो इस रूप में ऐसे अलग अलग ऐसे यो दल के रूप में आती है, तो उसको बोलते हैं जोरन। जोरन यानी उन पे अलग ही प्रकार की पत्तियों का समूह लदने लग गया है, और लद जाने से वो जोर जैसे बनने लग गया है। और बौरन, बौरन का मतलब है नई नई, जैसे वो मंजरिया, यानी कोई भी जैसे जो फल वाला पौधा होता है, तो उसमें पहले क्या आता है? पुष्प आता है, और पुष्प के अंदर ही वो उस फल का पकना शुरू होता है, ठीक है। और जब फल तैयार होता है तो वो पुष्प नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये जो वृक्षों पे नए नए क्या खिल रहे हैं, ये जो फूल खिल रहे हैं, तो इसको क्या क्या कहा जाता है? बोरन। और हिंदी में इसका अर्थ होता है मंजरिया, यानी आम की जो कच्ची कच्ची मंजरियां होती हैं, आम के जो पुष्प होते हैं जिसमें से आम फिर निकलता है, वो यानी फल लगने से पहले जो फूल लगते हैं उनको मंजरी कहा जाता है। यानी वृक्षों पर क्या हो गया है? नई नई मंजरियां, बौरन यानी मंजरियां छा गई हैं।
कहे पद्माकर, कवि पद्माकर कहते हैं कि शु औरे भांति गलियां नी, और जैसे भोरे इनके किनका इन मंजरियों का और फूलों का और नई कोंपले यानी पत्तियों का इनके रस का पान करने के लिए जैसे भौरे भीड़ 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 के रूप में गुंजन करते हुए उमड़ रहे हैं, उन भौरों के समान ही भांति यानी गलियन यानी गलियों में उन्हीं की भांति किनके भांति भौरों के भांति गलियों में कौन छलिया छबीले छैल औरे छबि छवे गए, यानी जैसे भौरे बिन बिनाते हैं वैसे ही ये छलिया यानी जो कपट करने वाले या वेश बनाने वाले श्री कृष्ण के लिए भी गीतों में गाया जाता है ना, तुम हो छलिया बड़े यानी छल करने वाले, छल से छबीले यानी सुंदर, छबीले यानी सुंदर, छैल यानी नवयुवक, जो नवयुवक हैं वो भी नए नए वेश बनाकर औरे यानी एक अलग ही प्रकार का छवि, छवि यानी क्या है अलग ही प्रकार की अपनी एक क्या कर रहे हैं वो अपनी शोभा दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं छवे गए यानी स्पर्श कर जाए, स्पर्श कर जाए ऐसी छवि वो किन के लिए नव युवतियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो नए प्रकार के हाव भाव और रूप रंग करते हुए भौरों की भांति दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ लक्षणा हुई ना, लक्षणा भी और व्यंजना कैसे हुई, व्यंग्य क्या है भौरों के माध्यम से कि कैसे भौरे उमड़ते हैं वैसे ही ये नए जो नव युवक हैं ये भी नव युवतियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और उन्हें किसी भी तरीके से उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है कि औरे यानी अलग ही औरे बाती अलग ही प्रकार का विहग समाज में आवाज होती, आवाज यानी चहचहाट, जो किस चहचहाट किसकी होती है विहग यानी पक्षी समाज में जो पक्षियों का समूह है ना उस पक्षियों के समूह से ही एक अलग ही प्रकार की आवाज यानी चहचहाट में भी उनके परिवर्तन आ गया है, वो और भी आनंदित होकर क्या कर रहे हैं अपनी अपनी आनंद को अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ऋतु राज के अभी तो हमारे इस ऋतु राज यानी वसंत ऋतु के न आज दिन द्वे गए हैं, यानी हमारे अभी से वसंत ऋतु के तो अभी तो केवल दो दिन ही हुए हैं, यानी दिन द्वे गए अभी इनको आए हुए दो दिन ही हुए हैं कि इतना उल्लास दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन संपूर्ण वातावरण में अलग ही प्रकार का रस, अलग ही प्रकार का ढंग रीति है ना ढंग, अलग ही प्रकार का संगीत सुनाई दे रहा है और अलग ही प्रकार का यानी भांति भांति के रंग दिखाई दे रहे हैं, पशु पक्षियों का रंग रंग क्या उनमें आनंद ही नहीं समा पा रहा है। औरे तन यानी उनका सभी का तन यानी स्वरूप भी परिवर्तित हो गया है, मन और बन हवे गए और उनके तन मन सब इतने प्रसन्न हो गए हैं कि सारा संसार ही कैसा दिखाई दे रहा है, यानी जो भी है सब जो वन की शोभा होती है ना वो वन की शोभा पूरी ही बदली हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक वन की जो शोभा होती है, ठीक है, ये वन की शोभा का वर्णन है क्योंकि आमतौर पर ये शहर में देखने को नहीं मिलता है, तो ग्रामीण संस्कृति का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी वसंत ऋतु को ऋतु राज के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो और ध्वन्यात्मक शब्द कैसे हुए, देखो जोरन पे बोरन पे ये इस तरीके से जो मिलान हो रहा ना शब्दों का इसको क्या कहा जाता है ध्वनि साम्य बोला जाता है इसको, कुंजन गुजरत ऐसे तन मन बन ये इस एक प्रकार से क्या हो रही है यानी इसमें ध्वनि साम्यता यानी इसमें ध्वनि का तालमेल बैठ रहा है तो ध्वन्यात्मक। ठीक है, शब्दों का प्रयोग आ गया ना समझ में यहाँ तक आपको, और इसमें किसमें ऋतुराज के पूरे श्रृंगार का वर्णन किया है कौन कैसे कैसे यानी आनंद पूर्ण आनंदमय यानी कवि ने भाव पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है, यानी चित्रांकन शब्द से लिए अपनाई है, यानी जब हम ये रचनाएं पढ़ते हैं तो वो दृश्य हमारे सामने आ जाता है तो उसको चित्रांकन शैली बोला जाता है। ठीक है,
अब आइए बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। दूसरे पद में क्या दिया गया है, इसमें जो ब्रज भूमि में होली खेलने का जो दृश्य है, होली खेलने का जो दृश्य है, होली खेलने के कर देती हूँ, होली खेलने के दृश्य का वर्णन किया गया है। अब यह वर्णन कौन करती है, एक गोपी द्वारा उसकी सखी को क्या, ब्रज भूमि के होली खेलने के दृश्य का वर्णन करती है या कराया गया है। उसकी जो सहेली की जो मनोस्थिति होती है उसके बारे में इसका वर्णन किया है कि किस प्रकार जो ब्रज भूमि ब्रज गांव की जो होली होती है वो भी कृष्ण के साथ में, तो किस तरीके से नहीं चाहते हुए भी मना नहीं कर पाते हैं। और जो होली का हुड़दंग होता है यानी होली में लोग क्या करते हैं, परस्पर बेर भाव को बुलाकर एक साथ खेलते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं। और जो वो होली के प्रति जो कहावत है ना, पुरानो मानो होली है, वो इस पूरे काव्य में आपको नजर आ ही जाएगी। ठीक है, तो इसमें गोपी क्या कह रही है कि गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, यानी होली खेलते समय यानी जिन किसी का मन ब्रज की होली में रम जाता है तो क्या होता है कि गोकुल गांव के यानी गोकुल के सभी लोग, कुल यानी वंश, चाहे वो वंश कैसा हो, चाहे श्रेष्ठ वंश ही क्यों नहीं हो, श्रेष्ठ वंश के सभी लोग गली के गोप यानी ग्वाले वंश, सभी श्रेष्ठ वंश के लोग ग्वाले गांव के सभी लोग क्या करते हैं, होली खेलने आ जाते हैं आपस में हंसी मजाक करते हुए। और क्या करते हैं वो, जो लगी जिसको जैसा लगता है यानी जिसको जैसा लगता है, जहां तक गोकुल गांव यानी पूरी जो ब्रज भूमि है, जो लगी यानी जहां तक कछु को कछु यानी कुछ भी आपस में हंसी मजाक करते हुए, कछु को कछु यानी कुछ का कुछ यानी उल्टा सीधा, यूं समझ लो आप, कछु का कुछ यानी उल्टा सीधा, जैसा भाकत यानी भाकत नहीं आएगा या भाषत है, भाषत यानी बोलते हैं, और उनको बोलते हुए क्या नहीं रहता है, वो एक दूसरे को उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या नहीं बोलते हैं, बने नहीं, कवि कह रहा है कि मैं तो कह ही नहीं सकता, वो आपस में एक दूसरे को क्या क्या अंट संट बोलते हैं, मैं तो कह ही नहीं सकता यानी उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। कहे पद्माकर, कवि पद्माकर कहते हैं कि होली खेलते समय जो होली नहीं खेलने वाले होते हैं ना, उनके भी क्या करते हैं, होली का हुड़दंग मचाते हुए होली है बुरा न मानो होली है ऐसा कहते कहते वो क्या करते हैं, पड़ोस पिछवारन के यानी पीछे रहने वाले पड़ोसियों के, कौन से पड़ोसी, पिछवाड़े में रहने वाले, ठीक है, पिछवाड़े नहीं घर के पीछे रहने वाले पड़ोसियों के घर जा जाकर, द्वारन के दोरी, ये द्वारन यानी घर जा जाकर, उनके घर दोरी यानी दौड़ कर उनके घर की ओर जाएंगे और गुण औगुण गने नहीं, और इस प्रकार एक दूसरे पर रंग डालेंगे और कहेंगे बुरा न मानो होली है, और ऐसा कहते हुए उनके गुण और अवगुण गने नहीं यानी उनके गुण और दोष को भी नहीं देखा जाता, हर प्रकार का यानी ऊंच नीच जाति पाति का सारा भेद मिट जाता है, यानी गुण अवगुण गोपी गुण अवगुण के साथ में या जात पात भी लिख सकते हैं, ऊंच नीच भी लिख सकते हैं, जात पात को घने नहीं यानी नहीं देखते हैं, ऐसा ही होना चाहिए ना, आपसी वैर भाव सच में यदि भूल जाए तो यह संसार यही स्वर्ग हो जाए, यानी कोई किसी के गुणों अवगुणों को भी ध्यान नहीं देता, सब समान भाव से होली खेलते हैं। और तो लो यानी इसी समय,
जब ये हुड़दंग चल ही रहा था कि तो लो यानी तब तक या तभी तभी चलित चतुर सहेली, चलित यानी चली, चंचल, चलित यानी चंचल एक चतुर अपनी सहेली गोपी को, याहू यानी इसको, को कोई कहूं स्थान पर, किसी स्थान पर, इसको कोई किसी स्थान पर नीके यानी बली प्रकार से, क्या होता है एक चंचल सहेली। ये होली का उड़दंग चल ही रहा होता है कि तभी एक चंचल स्वभाव वाली चतुर सखी अपनी एक इस गोपी को, ताही यानी जो वर्णन कर रही होती है ना उसके लिए वो बोलती है कि अपनी यानी मुझे इस गोपी को भी साथ ले जाकर बल नीके बली प्रकार के कई निचोरे, कई निचोरे यानी रंग में डुबो देती है, रंग में डुबो देती है या उसको रंग से सराबोर कर देती है, ठीक है। और यह सखी भी उसके साथ चली जाती है, ताही करत मने नहीं, और वह उसको किसी नायक से, यानी वहां तो लड़के और लड़कियां यानी नवयुवक और नवयुवतियां सारे साथ में होली खेलते हैं, तो वो होली खेलने से करत मने नहीं, वो मना भी नहीं करती है, क्या नहीं करती है, होली खेलने से वो मना भी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसे भी श्री कृष्ण के साथ में होली खेलने का आनंद जो लेना है। इस प्रकार वो इस होली के रंग में यानी प्रेम के रंग में मस्त हो जाती है। हाउ तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी। हाउ तो यानी कि क्या होता है कि सखियां जब उससे पूछती हैं तो वो क्या कहती हैं कि मैं तो, यहाँ हाउ तो का मतलब यानी मैं तो क्या कर रही थी, जब सखियां उससे पूछती हैं कि तू इतना कहाँ से भीगी है, तू तो होली खेलती भी नहीं है, तो वो क्या कहती है कि मैं तो श्याम रंग यानी श्री कृष्ण के प्रेम रंग में, श्याम रंग श्री कृष्ण के प्रेम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, यानी मैंने तो चोरी छुपे, चोरा चोरी चोरी छुपे चित यानी अपना मन या हृदय, क्या कर चुकी हूं मैं, चुराई चुराई यानी मन से छिपाकर, मैंने तो चोरी छिपे क्या कर दिया, चुराई चित अपने मन को, चुराई चुरा कर अपने आप से अपने मन को छुपा चुरा कर चोरी छिपे, मैंने तो किसको कर दिया है, बोरत, बोरत यानी डुबो दिया है, डुबो दिया है, किसको डुबो दिया है, अपने मन को चुरा कर बोरत यानी डुबो दिया है, उनके प्रेम रूपी रंग में भी डुबोया है, और बोरियो यानी श्री कृष्ण के साथ में मैंने अपना प्रेम पूरी तरीके से उनमें डुबो दिया है। पेई निचोरत बने नहीं, अब तो क्या है इस प्रेम रूपी यानी उस अब इस प्रेम रंग में निचोरत यानी इस प्रकार भली भांति मैंने निचोड़ दिया है कि अब बने नहीं यानी अब इनसे दूर होना बने नहीं यानी संभव नहीं है। अब निचोड़त के यहाँ दो अर्थ लिए गए हैं, एक तो है निचोड़ना यानी मैंने अपने मन को उस प्रेम रंग में पूरी तरीके से डुबो कर यानी निचोड़ कर फिर मैंने अलग कर दिया, अलग करना यानी अब इसको इससे अलग करना संभव नहीं है, ठीक है। अब यहाँ इसमें यमक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है, ठीक है। बौरत तो बौरियों में तो अनुप्रास है, फिर गोकुल कुल में, किसमें, गोकुल कुल, ये भी यहाँ गोकुल का तो मतलब है गायों का गांव, और यहाँ गोकुल कुल का मतलब, ये कुल कुल का मतलब वंश, तो यहाँ पे
यमक अलंकार है, ठीक है। और इसके अलावा अलंकार और कहाँ है, श्याम रंग में। श्याम रंग का मतलब होता है एक तो काला रंग होता है और दूसरा होता है श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण के लिए आए हैं तो कि श्लेष अलंकार, ठीक है। और इसके अलावा किस में है, इसमें निचोड़ना में भी है। निचोड़त का एक अर्थ निचोड़ना है और दूसरा अर्थ है अलग, तो श्लेष अलंकार की छटा। और इसके अलावा अनुप्रास अलंकार तो है ही है, ठीक है। आ गया ना यहां तक समझ में आपको। देखो अब इसके अलावा देखो ब्रजभाषा का प्रयोग जो है वो मैंने आपको यहाँ शुरुआत में भी बता दिया। ब्रजभाषा तत्सम तद्भावली तद्भव सद्भावली शब्दावली का प्रयोग और संयोग श्रृंगार रस की प्रधानता है, माधुर्य गुण है आपके, व्यंजना भी है और एक सखी के द्वारा उसके प्रेम रूपी रंग में डूब जाने का जो है वो व्यंग्य किया है, तो व्यंजना शब्द शक्ति भी है, ठीक है। और देखो एक सखी का दूसरी सखी से क्या हो रहा, संवाद हो रहा है तो संवादात्मक, संवादात्मक शैली, एक दूसरे से संयोग संवाद किया गया है ना, उत्तर दिया हुआ है, पूछा प्रश्न भी पूछा हुआ, उत्तर भी दिया हुआ, इसलिए, ठीक है। आगे समझ में अब आपको, अब आइए पढ़ते हैं इनके तीसरे कवित की ओर, ठीक है। तीसरे कवित में क्या बताया गया है, तीसरे कवित में कवि ने यानी जो वर्षा ऋतु का जब आगमन होता है तब क्या होता है, किस प्रकार यानी वर्षा ऋतु के आगमन पर क्या होने वाले आनंदमय होने वाले आनंदमय परिवर्तन का वर्णन किया हुआ है, परिवर्तन का वर्णन किया गया है, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं कैसे किया कवि ने, कि वर्षा ऋतु होती तो क्या होता है, कि वर्षा ऋतु में और विशेष रूप से यदि देखा जाए तो किसमें, कि श्रावण मास में क्या होता है, भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, यानी भोरों का यानी भंवरों का, या यूं कहे भोरे, भोरों का गुंजन होने लगता है, यानी वे कैसे क्या करते हैं, विहार करते हैं, यानी घूमना, विहार करना, जैन संतों के लिए क्या था ना, जैन संतों का विहार भ्रमण, ठीक है। वो गुंजन करते हुए घूमने लगते हैं, कहाँ घूमने लगते हैं, वन यानी वन में, कैसे कुंजन में, यानी वृक्षों के समूहों पर, वृक्षों के समूह में गुंजन घूमेंगे तो कैसे, इस वृक्ष से इस वृक्ष पे, इस वृक्ष से इस वृक्ष पर, वो क्या करते रहते हैं, गुंजन करते हुए आनंदित होकर घूमने लगते हैं, मंजुल मलारन को, और ये इस प्रकार जो गुंजते हुए यानी ये भोरे गुंजन करते हुए वृक्षों से एक दूसरे की ओर घूम रहे हैं ना, डोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, मंजुल यानी सुंदर, मलारन यानी मल्हार, एक प्रकार का ये राग है, मल्हार राग को गावनो लगत है, उत्प्रेक्ष अलंकार है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, मल्हार राग गा रहे हैं, यानी कवि कल्पना कर रहा है कि श्रावण मास में मल्हार राग गाया जाता है, और ये मुझे लग रहा है कि ये भोरे भी क्या कर रहे हैं, इनके जो गुंजन में कवि को मल्हार राग प्रतीत होता है, गावनो लगते है नहीं, गा रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। कहे पद्माकर, कवि पद्माकर कहते हैं, गुमान हूं ते मान हूं ते, ये देखो मान हूं मान हूं शब्द की आवृत्ति है और अर्थ अलग अलग है, ठीक है। तो यहां इस गुमान हूं का मतलब क्या हो जाएगा, घमंड, ठीक है, और इस मान हूं का अर्थ है मान,
ठीक है, कहे पद्माकर, कवि पद्माकर कहता है क्या, सॉरी कहते हैं कि इस ऋतु परिवर्तन के प्रभाव से क्या हो रहा है कि नायिका अपने आप में क्या कर रही है, घमंड कर रही है, सॉरी नायिका अपना यानी श्रावण मास में नायिका अपना गुमान हूँ ते मान हूँ ते, अपना सभी प्रकार का घमंड और मान सम्मान सब कुछ त्याग कर क्या कर रही है, प्राण हूँ ते प्यारा यानी प्राणों से भी प्यारे कौन, मन भावन, मन भावन यानी पति लगते हैं यानी उनको अपने प्रियतम से प्रेम करने लगती हैं। प्राण हूँ ते प्यारो अपने मन का सभी घमंड मान सबको त्याग कर प्राणों से प्यारे मन भावन यानी पति या प्रियतम प्रियतम से लगत है यानी प्रेम करने लगती है, प्रेम करने लगती है। मोरन को सौर और क्या होने लगता है, जब श्रावण मास है और बारिश होने वाली है, बारिश हो रही है घनघोर चारों तरफ, तो किसका शोर सुनाई देगा, चारों ओर वन वन में घनघोर चहुं ओर यानी चहुं ओर यानी चारों ओर घनघोर बादलों की गर्जना जैसा तीव्र शोर, मोरन को शोर और मयूरों का, मयूर मोरन यानी मोर बोलने लगते हैं, उनका मयूर नाचते हुए घनघोर शोर करने लगते हैं, और हिंडोरन हिंडोरन यानी झूलों पर कौ वृंद छवि छावनो लगत हैं, और जगह जगह हिंडोले बहुत अधिक किस पे कि वृंद यानी समूह में झूलों की जो छवि होती है वो बहुत ही सुहावनी लगती है, कैसी लगती है, सुहावनी लगती है। समूह में अलग अलग जैसे पेड़ों पर जो झूले लग जाते हैं तो समूह में वहाँ स्त्रियां झूला झूलती हैं तो वो जो दृश्य होता है वो बहुत ही सुहावना लगता है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में, यहाँ भी यमक है देखो, नेह सर सावन में यानी नेह यानी प्रेम की, सर सावन यानी प्रेम के रस में, सर सावन रस में डूबना, इस प्रेम के रस में डूबने से क्या हो रहा है, इस प्रकार ये श्रावण मास में मैं बरसाकर सभी का प्रेम क्या कर देता है, प्रेम की वर्षा करके सबका मन मोह लेता है, मैं बर सावन में, और ये मैं क्या होने लगता है, बर सावन में, बर सावन में यानी बरसने लगता है, ठीक है। तो यहाँ सर सावन तो होता है रस में डूबना और बर सावन में होता है सावन में वर्षा ऋतु का बरसना, ठीक है। सावन में झूली बो सुहावनो लगत हैं, और क्या हो रहा है कि इस प्रकार सबको मोहित करने वाला कवि के अनुसार सावन में झूली बो यानी सावन में झूला झूलना बहुत सबको ही प्यारा लगता है, ठीक है। तो यहाँ कवि ने कितना सुंदर देखो वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तन का यहाँ पे वर्णन किया है। तो यहाँ पे क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता है, ब्रज भाषा में किसका तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। और प्राणहूते प्यारा यानी प्राणों से भी प्यारा, यहाँ पे मुहावरों का भी प्रयोग किया है, तो मुहावरे जहाँ कहीं भी होते हैं तो वहाँ आपके लक्षणा शब्द शक्ति तो आती आती है, ठीक है। अलंकार जहाँ है मैंने आपको इसके अंदर बता दिया, अनुप्रास के साथ साथ एक तो गुमान हूँ ते मान हूँ इसमें है, और एक सर सावन और बर सावन में शब्द की आवृत्ति और अर्थ भिन्न होने से क्या हो गया यहाँ पे आपके यमक अलंकार। फिर भी यदि कहीं नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं इसके प्रश्न अभ्यास की ओर कि पहले छंद में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है, तो पहले छंद में कवि ने किसका किया है, ऋतुराज वसंत ऋतु का, ऋतुराज वसंत ऋतु का, ठीक है।
इस ऋतु में प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं? तो इस ऋतु परिवर्तन में क्या होते हैं, यानी वृक्षों पे, लताओं के समूह पर, वृक्षों पे, लताओं पे, सभी पे प्रकृति पे नव पल्लव से सुसज्जित हो जाती हैं, जिससे भौरे गुंजार करते हुए यानी उनका रस पान करने के लिए भौरों यानी भीड़ के रूप में उमड़ने लगते हैं। और इसके अलावा और सभी नव युवक युवतियों में भी प्रेम का संचार होने लगता है और वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। एक अलग ही प्रकार का औरे औरे दिया ना, यानी एक अलग ही प्रकार का रस, ढंग, रंग, राग, सब कुछ पक्षी पक्षु पशु सब का परिवर्तन हो जाता है, यानी सब आनंद में मग्न हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, औरे की बार बार आवृत्ति से अर्थ में क्या विशिष्टता उत्पन्न हुई है? बहुत सुंदर विशिष्टता हुई है कि जैसे कि बार बार प्रयोग करके काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है, यानी इसका अर्थ तो एक ही है, यानी अन्य प्रकार का, यानी इस वसंत ऋतु के यानी वसंत ऋतु का जो आनंदमय परिवर्तन है उसको क्या करने के लिए, उसको विशेषता प्रदान करने के लिए कवि ने इसका प्रयोग किया है। बार बार इसका प्रयोग करके काव्य के चमत्कार को यहाँ पे उत्पन्न किया है। तो इस प्रकार बार बार आवृत्ति से अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी इससे वसंत ऋतु का जो है वाकई में उसका जो परिवर्तन है वो यहाँ पे पाठक के मन में स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिए, पद्माकर के काव्य में अनुप्रास की योजना अनूठी बन पड़ी है, उक्त कथन को प्रथम छंद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी हम जानते हैं कि अनुप्रास का मतलब क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, और कवि पद्माकर ने या यूं कहे रीतिकाल के कवियों ने, जो रीतिकालीन कवि हैं, रीतिकालीन कवियों का जो आलंकारिक है, रीतिकालीन कवियों का अलंकार का प्रयोग करना, प्रेम और सौंदर्य से पूरित रचनाओं का वर्णन करना, यानी अलंकार उनका क्या है, प्रिय विषय है। ठीक है, अलंकार प्रिय विषय है। और उसी प्रकार इन्होंने भी क्या किया है, उन इसी को ही यानी वर्ण की बार बार आवृत्ति के प्रयोग करने से ही अनुप्रास की बहुत सुंदर छटा दर्शनीय यहाँ प्रतीत हो रही है। हम प्रथम छंद में जो दिया गया है उसको हम देख के इसको कह सकते हैं कि पद्माकर ने अनूठी योजना यहाँ पे प्रस्तुत की है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव किस प्रकार रंगों के सागर में डूब जाता है? दूसरे छंद के आधार पर लिखिए। अब दूसरा छंद यानी होली के अवसर पर संपूर्ण गोकुल गांव क्या करने लगता है, सब आनंदमय होकर यानी क्या करने लगते हैं, होली खेलने में मग्न हो जाते हैं। वो एक दूसरे के घर दौड़ दौड़ कर जा जाकर रंग डालते हैं, और रंग डालते हुए ये भी कहते हैं कि बुरा न मानो होली है, तो और कोई बुरा भी नहीं मानता और सब उनके साथ में मग्न हो जाता है। और एक गोपी भी होली के रंग के साथ साथ वो श्री कृष्ण के यानी ब्रज गांव की होली, और कोई भी साधारण मनुष्य भी वहाँ चला जाए तो उस वहाँ श्री कृष्ण के यानी वृंदावन धाम में आप कदम रखो और आपका मन कृष्ण कृष्ण हो ही जाता है। तो जब वहाँ की होली की बात हो तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूब जाना तो अनायास ही हो ही जाता है, वो स्वभावगत हो ही जाता है। तो इस प्रकार जो प्रेम का जो नशा होता है वहां पे वो गोपी को भी किस प्रकार चढ़ता है कि वो अब उससे दूर भी नहीं होना चाहती है। ठीक है, आप नोटबुक लेके बैठिए साथ में और जो मैं बोलती हूँ उसको लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 6 देखिए कि बोरत बोरत तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं, इस पंक्ति में गोपिका के मन का क्या भाव है, यानी गोपिका क्या कहना चाहती है कि बोरत तो बोरियो, यानी मैंने जो प्रेम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रंग में मैंने जो अपना मन अपने आप से चुरा के मैंने उसमें डुबोया है ना, यानी डुबाया है बोरियो पे, यानी मैं तो उसी में ही डुबोए रखना चाहती हूं। ठीक है, यानी रंग किसी भी तरीके से मैं
जो मन उनमें डूब गया है, उसमें जो निचोड़ हो गया है, मैं अब उनसे अलग नहीं हो सकती हूँ। यानी ये मैं पूरी तरीके से उनके रंग में डूब जाना चाहती हूँ, मैं अब उससे अलग नहीं होगी, क्योंकि मैं अगर अलग हो गई तो मैं शायद रह ही नहीं पाऊँगी, मैं उसमें ही डूबे रहना चाहती हूँ। निचोड़त बने नहीं, यानी जिस प्रकार एक वस्त्र को रंग में डुबोकर जब अपन बाहर निकाल के निचोड़ते हैं तो वो रंग थोड़ा फीका पड़ जाता है। तो गोपी कह रही है, मैंने तो अपने प्रेम यानी मन को उनके प्रेम में डुबो दिया है, अगर मैंने निचोड़ दिया तो वो फीका पड़ जाएगा, तो मुझे उसको फीका नहीं करना, यानी मुझे अब अलग नहीं होना है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, पद्माकर ने किस तरह भाषा शिल्प से भाव सौंदर्य को और अधिक बढ़ाया है, उदाहरण सहित लिखिए। भाषा शिल्प से यानी इनकी कहनी, यानी कवि पद्माकर की भाषा कौन सी है, यानी साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने, और ब्रज भाषा के अनुसार इन्होंने किनको ध्वनि साम्य युक्त यानी ध्वनि साम्यता के साथ शब्दों का के साथ सटीक शब्दों का चयन किया है, शब्दों का चयन किया गया है, ठीक है। अब आप वो शब्दों का शब्द चयन किस तरीके से किया गया है, वही तत्सम या संस्कृतनिष्ठ, और भाव सौंदर्य कैसे बढ़ गया है कि जब इन शब्दों तत्सम शब्दों के प्रयोग से जो भाव है, वो जो कवित का भाव है, वो यहाँ पे और भी कवित का भाव और भी स्पष्ट हो जाता है, और भी स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। और श्रृंगार रस का प्रयोग करने के साथ साथ कवि ने जो आलंकारिक शब्द शैली अपनाई है, आलंकारिक यानी अलंकार युक्त, जिसमें अनुप्रास मुख्यतया है, तो इस प्रकार जो इन्होंने ये वर्णन करने के लिए इसको प्रयोग में लिया है, उससे भाव सौंदर्य और भी बढ़ गया है, ठीक है। फिर 8वां प्रश्न देखिए कि तीसरे छंद में कवि ने सावन ऋतु की किन किन विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है, तो इसमें किसकी ओर आकर्षित किया है कि सावन ऋतु में कौन से परिवर्तन आते हैं, कि मोर नाचने लगते हैं घनघोर शोर करते हुए, वृक्षों पे भौरे गुंजन करने लगते हैं, और इसके अलावा क्या होता है, जो नव युवतियाँ होती हैं वो वृक्षों पर झूला डालकर मल्हार गीत गाते हुए, जो भौरों के गुंजन में भी मल्हार राग कवि को प्रतीत होता है, तो मल्हार राग गाते हुए गाना, और किसका नव युवतियों का अपने मन भावन प्रियतम को प्राणों से भी अधिक प्यारा बताना, इस प्रकार ये सारा किस में होता है, सावन ऋतु में ही दिखाई पड़ता है, और कवि ने भी यथा योग्य इन विशेषताओं का उल्लेख किया है, ठीक है। फिर है प्रश्न संख्या 9, गुमान होते मान होते क्या में, इस पंक्ति में क्या भाव सौंदर्य छिपा हुआ है, यानी इसमें जो नव युवतियाँ होती हैं और जब सावन ऋतु आती है, यानी सावन मास जब लगता है, तो वर्षा की जो जड़ी लगती है, वो वर्षा की जड़ी उनको प्रेम की वर्षा लगती है, जो वर्षा की जड़ी होती है वो प्रेम केवल जल की वर्षा नहीं होकर वो उनको प्रेम की वर्षा लगती है, और सबसे अधिक उसमें उनके अपने प्रिय से मिलन की इच्छा जाग उठती है, और जब इच्छा जाग उठती है तो वो अपने मन के गुमान होते मानो यानी घमंड और मान इन दोनों को ही क्या करके त्याग के क्या करती है, अपने प्रियतम के प्रति प्रेम या प्रियतम के प्रति प्रेम उनमें स्वतः ही उत्पन्न होने लगता है, और वो उनसे प्रेम करने लग जाती है, ठीक है। कभी भी यहीं पे यही कहना चाहता है। फिर संदर्भ सहित व्याख्या
तो और बाती तौलो चलित कहे पद्माकर, इन तीनों की व्याख्या आप वीडियो को पूरा अच्छे से सुनिए और वहां से आप कर लीजिए, ठीक है। और योग्यता विस्तार में जो दिया गया है, अन्य कविता की कवियों की कविताओं का संकलन कीजिए, तो मैं यथा प्रयास, मेरा जितना प्रयास बन सकता है उतना मैं पीडीएफ में आपके सब कुछ उपलब्ध करवाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए और औरों तक शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।